फ्रेंड्स, माय नेम इज ईशान मिश्रा। आज मैं आप लोगों को लाभ और हानि के विषय में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को लाभ और हानि के से संबंधित कुछ फॉर्मूले बताऊँगा। दोस्तों, हमारा पहला फॉर्मूला ये है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, तब y प्रतिशत लाभ होने पर वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर x गुणे ब्रैकेट में 100 प्लस y बटे में 100 रुपए होगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित मैं आपको एक सवाल बताने जा रहा हूँ। यदि एक मेज रुपए 2560 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी गई हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसको हम लोग हल करते हैं। x बराबर 2560, y बराबर 20%, तब 2560 गुणे 100 प्लस 20 बटे में 100। तो दोस्तों, 2560 गुणे 120, 100 प्लस 20 को प्लस करने से 120 आता है, तो इसलिए 2560 गुणे में 120 बटे में 100। तो इसको हल करने पर हमारा आंसर आता है 3072 रुपया। तो दोस्तों, ये वाला हमारा सवाल ख़त्म हो गया। तो अब हम जानेंगे दूसरे फॉर्मूले के बारे में। दूसरे फॉर्मूले का सवाल है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, तब y प्रतिशत हानि होने पर वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर x गुणे ब्रैकेट में 100 माइनस y बटे में 100 रुपए होगा। इस पे आधारित हम एक सवाल लगाते हैं। राकेश ने एक साइकिल 1680 रुपए में खरीदी और इसे बेचने में उसे 10% की हानि हुई, साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसे अब हम लोग हल करेंगे। x बराबर 1680, y बराबर 10, तब 1680 गुणे 100 माइनस 10। तो दोस्तों, अब हम लोग हल करते हैं। तो इसमें माइनस है तो इसको माइनस करेंगे, 100 माइनस 10 बराबर 90 आया। तो 1680 गुणे 90 बटे में 100, तो इसको हल करने पर हमारा आया 1512 रुपया। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।